यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनलॉकिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है, वो भी मेरे पोको के X2 डिवाइस के अंदर। साथ साथ यहाँ पे आपको MIUI 13 का लॉन्चर का जो पूरा लुक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। साथ साथ काफ़ी स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 13 के लॉन्चर में प्रोवाइड किया गया था। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो फीचर्स है उसे भी यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। और पहले हमें है जो एडिशनल के अंदर देखने को मिलता था हमारे नेबार और साथ साथ बटन वगैरह को यूज करने का, जेस्चर्स वगैरह का ऑप्शन, ये अब आ चुका है हमारे होम स्क्रीन के ऊपर। यानी हमारा जो पोको लॉन्चर है पोको डिवाइस का, वो MIUI के सिस्टम लॉन्चर के साथ रिप्लेस हो चुका है, वो भी लेटेस्ट MIUI 13 के साथ। और अगर आप ये सेम लॉन्चर यूज करना चाहते हो अपने पोको के किसी भी डिवाइसेज के अंदर, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेगा और मैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दूंगा कि कैसे क्या कुछ यहाँ पे काम करता है और कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे ताकि आप अपने पोको के किसी भी डिवाइस के अंदर पोको लॉन्चर के अलावा यहाँ पे MIUI के लॉन्चर को भी आप इनेबल कर पाओ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको रेगुलर कस्टम रूम की अपडेट चाहिए तो मैंने सेकंड चैनल शुरू किया है कस्टम रूम से रिलेटेड, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टम रूम के अपडेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MIUI 13 सिस्टम लॉन्चर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोको के किसी भी डिवाइस को रूट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रूट के ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसे रूट कर रखा हूँ। रूट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टाइप करना है, ट्रिपल डॉट पे टाइप करके सो इंटरनल आपको कर लेना है, और जहाँ पे आपने फाइल को रखा है वहाँ पे आपको ब्राउज करना है। तो हमारा जो फाइल है ये रहा, आप देख सकते हो MIUI होम लॉन्चर प्रो है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये काफ़ी ईजिली है, जो आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश हो जाएगा और फाइनली आपको रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे सिस्टम रिबूट कर देना है। फ़ोन के ऑन होते ही सबसे पहले आपको अनलॉक करना है, और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पोको लॉन्चर अभी स्टिल हमें देखने को मिल रहा है, ये रिमूव नहीं हुआ है। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, होम स्क्रीन पे आना है। आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन बार का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जो कि पहले एडिशनल में हमें देखने को मिल रहा था, और पोको लॉन्चर पे हम टैप करें तो यहाँ पे आपको MIUI का लॉन्चर भी देखने को मिलता है। और इस पर टैप करते ही आप देखोगे यहाँ पे सारे सेटिंग जो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको पोको लॉन्चर भी यूज करने का बेनिफिट मिल जाता है और साथ साथ सिस्टम लॉन्चर का भी, जबकि इसके पहले जो मॉड्यूल आया था उसमें हमारा पोको लॉन्चर रिप्लेस होता था MIUI से, जो कि थोड़ा दिक्कत होता था कुछ यूजर्स के लिए, बट आप यहाँ पे अपने मर्जी के अनुसार चेंज वगैरह है जो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे रॉयन कॉलम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ग्लोबल आइकन एनिमेशन भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी दिया गया है। तो देख लेते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काम कर रहा है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दोनों अब वर्किंग हो गया, जो कि हमें पोको में देखने को नहीं मिलता था लॉन्चर के साथ, बट यहाँ पे MIUI का जो सिस्टम लॉन्चर है 13 का वो आपको देखने को मिल जाता है, और रो एंड कॉलम भी यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम एनिमेशन की बात करें अनलॉकिंग का, तो यहाँ पे ये भी अच्छे से काम कर रहा है, जो कि हमें पोको लॉन्चर पे दिखाई नहीं देता। और आप देख सकते हो MIUI 13 के लॉन्चर की वजह से यहाँ पे आपको विजर्ट्स का जो स्टाइल्स वगैरह है वो भी आपको अब नया देखने को मिल जाता है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो एनिमेशन देखने को मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ हो चुका है, जो कि पोको लॉन्चर के अंदर तो हमें कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे अब बस आप सिंगल टैप पे अपने पोको लॉन्चर पे आ सकते हो बाय डिफॉल्ट, या फिर आप जो सिंगल टैप पे फिर से जो स्विच कर सकते हो MIUI के लॉन्चर के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी तरह इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।